नंबर 27 ऑफ द टाटा आईपीएल 2023। एक तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दूसरी तरफ है पंजाब किंग्स। आज दोपहर में होगा एक महामुकाबला। चलिए इस मजेदार मैच की बात कर लेते हैं। पंजाब किंग्स अपना पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से खेली थी, उन्हीं के घर में हराकर आ रही है पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स को। धवन की अनुपस्थिति में भी एक लाजवाब मैच खेली पंजाब किंग्स। गेंदबाजी करते हुए पंजाब किंग्स के लिए सैम करन का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। सैम करन 3 विकेट चटकाने में कामयाब रहे। 4 ओवर्स में मात्र 31 रन दिए सैम करन ने। तरीके से सैम करन गेंदबाजी कर रहे हैं, खासा इंप्रेस किया है उन्होंने अभी तक सभी को। कहीं ना कहीं एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए हैं इस सीजन में अभी तक आईपीएल के, मगर जो प्राइस पे किया है पंजाब किंग्स ने उसको थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहे हैं। खिलाड़ी से कहीं ना कहीं उम्मीद होती है मैनेजमेंट को कि वो एक तरफा मुकाबले जता के देंगे। अभी तक ऐसा प्रदर्शन नहीं रहा है सैम करन का, मगर हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले मैचेस में वो इससे भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाएंगे। अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाड़ा ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की। कहीं ना कहीं ये एक पैक है वुल्फ्स का जो एक साथ हंट करता है अपोनेंट्स को। सैम करन, कगिसो रबाड़ा और अर्शदीप सिंह बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं T20 फॉर्मेट में। ये तीनों लाजवाब गेंदबाज हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। पंजाब किंग्स फॉर्चुनेट है कि ये इन जैसे 3 मैच विनर्स उनकी टीम में हैं। कहीं ना कहीं कगिसो रबाड़ा थोड़े से एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, इतने हम रन लीक करते हुए नहीं देखते उन्हें। थोड़े इकोनॉमिकल रहे हैं ऐसा चाहिए कि पंजाब किंग्स। अर्शदीप सिंह लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं अर्शदीप, तो वहाँ पर थोड़ा एक्सपेंसिव होना कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा सकता है। कभी कभी ज़्यादा रन भी लीक कर रहे हैं वो। राजस्थान रॉयल्स का मुझे मुकाबला याद आता है जब ध्रुव जुरेल ने उनके ऊपर अटैक किया था, तब उन्होंने रन लीक कर दिए थे। उसी तरीके से पिछले मुकाबले में भी हमें देखने को मिला कि उन्होंने थोड़े से ज़्यादा रन दिए अंतिम ओवर में आते आते। कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करनी होगी अर्शदीप सिंह को अगर पंजाब किंग्स चाहती है इसी तरीके से अच्छा प्रदर्शन करना। जब बल्लेबाजी करने के लिए पंजाब आई तब मैथ्यू शॉट ने एक शानदार शुरुआत दे दी थी। मैथ्यू शॉट मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे बीबीएल में इस साल, और मैंने टूर्नामेंट आईपीएल स्टार्ट होने से पहले जब वो रिप्लेसमेंट अनाउंस हुए थे जॉनी बेस्टो के, तभी कहा था कि मैथ्यू शॉट एक बहुत डेंजरस बल्लेबाज है। अभी तो हमें थोड़ी सी ग्लिम्स देखने के लिए मिली है उनकी। बीबीएल में जिस तरीके का उनका प्रदर्शन रहता है, कहीं उसी तरीके का अगर वो प्रदर्शन पंजाब किंग्स के लिए करते हैं तो कई मैचेस एक तरफा जिता सकते हैं पंजाब को। पंजाब चाहेगी कि लाजवाब प्रदर्शन करते रहें मैथ्यू शॉट उनके लिए। सिकंदर रजा एक ऐसे अंडररेटेड प्लेयर हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में जिनकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होती। गेंदबाजी में इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट टेकर हैं सिकंदर रजा, और जिस तरीके से पंजाब के लिए बल्लेबाजी की उन्होंने पिछले मुकाबले में वो तारीफ के काबिल बात थी। रन की एक बहुत महत्वपूर्ण पारी खेली थी सिकंदर रजा ने। लखनऊ सुपर जायंट्स की गेंदबाजी क्रम बहुत ही मजबूत है, मगर उस गेंदबाजी क्रम को भी परेशान करके रखा था सिकंदर रजा ने। उनसे इसी तरीके के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगा रही है पंजाब किंग्स। शाहरुख खान इस सीजन अच्छा बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान ने फिनिशिंग टच दिया, मैच जितवाया पंजाब किंग्स को। उससे पिछले मुकाबले में भी एक अच्छी पारी खेली थी शाहरुख खान ने। शाहरुख खान अगर इसी तरीके से गेम को फिनिश करते रहेंगे पंजाब के लिए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े एसेट बनेंगे वो इस सीजन में पंजाब किंग्स के लिए। अगर लियम लिविंगस्टन भी उपलब्ध हो जाते हैं आज के मुकाबले में तो कहीं ना कहीं एक डेडली कॉम्बो बन सकता है शाहरुख खान और लियम लिविंगस्टन का। लियम लिविंगस्टन इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, हम सभी जानते हैं, बहुत डेंजरस बल्लेबाज हैं। अगर शाहरुख खान को साथ मिलता है उनका तो देखना होगा दोनों किस तरीके से बल्लेबाजी करेंगे अंतिम ओवर्स में आगे। चलिए अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात कर लेते हैं। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपना पिछला मुकाबला खेली थी चिन्नस्वामी स्टेडियम में अपने ही घर पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। एक हाई स्कोरिंग मुकाबला था, बहुत सारे रन्स बने, बहुत सारे छक्के पड़े और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अपने ही घर में मैच हार गई। फाइट दिखाई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने, कई सारे पॉजिटिव्स लेकर जा रही है आरसीबी पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलने के लिए।
कहीं ना कहीं गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, हम सभी जानते हैं। आरसीबी के लिए केवल एक ही गेंदबाज हैं जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, मैच प्रति मैच इम्प्रेस करते जा रहे हैं, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जब इतने सारे छक्के पड़ रहे थे, इतने सारे रन्स बन रहे थे, चेन्नई के बल्लेबाज आक्रामक तरीके से खेल रहे थे बैंगलोर के खिलाफ, उसके बावजूद भी 30 रन दिए अपने 4 ओवर में मोहम्मद सिराज ने। 7.5 की इकॉनमी और 1 विकेट चटकाने में भी कामयाब रहे मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ग्रो कर रहे हैं स्टैचर में, बैंगलोर की टीम के लिए वो स्पेयर हेड गेंदबाज बन गए हैं बिल्कुल। कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं बॉलिंग अटैक को, शुरुआत में ही वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, विकेट चटका के देते हैं बैंगलोर को और एक अपर हैंड दिलवाते हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं वो देखकर बीसीसीआई के सेलेक्टर्स भी बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि मोहम्मद सिराज जैसा एक बेहतरीन गेंदबाज अगर इसी तरीके की फॉर्म में रहता है, इसी तरीके से परफॉर्म करता है, तो बैंगलोर के साथ साथ वो भारतीय टीम के लिए भी एक बहुत बड़े एसेट बन सकते हैं। जब चेज करने के लिए आई रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, तब एक विशालकाय टोटल था उनके सामने, 20 रन लग गए थे बोर्ड पर, फिर भी बैंगलोर के बल्लेबाजों ने हार नहीं मानी। विराट कोहली जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए थे, महिपाल लोमरोर का किस्मत ने साथ दिया था, कैच छूटा था उनका, मगर उस कैच छूटने का ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। ग्लेन मैक्सवेल और फाफ डुप्लेसी दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब तरीके से खेले चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। 35 गेंदों में 62 रन बनाए फाफ डुप्लेसी ने। फाफ क्या फील्डिंग करते वक्त इंजर्ड हुए थे, उसके बावजूद भी खेलने आए। हमें कुछ विजुअल्स भी देखने को मिले थे कि उनके कमर पर उन्होंने टेपिंग की हुई है, उनके राइट फोरआर्म में जो उनका टॉप हैंड है उसमें भी उन्होंने टेपिंग की हुई थी, तो खासा दर्द में थे, भागते वक्त भी तकलीफ हो रही थी, और के बावजूद भी एक लाजवाब पारी खेली फाफ डुप्लेसी ने। ग्लेन मैक्सवेल ने ताबड़तोड़ पारी खेली, 30 गेंदों में 76 रन बनाए ग्लेन मैक्सवेल ने, 8 छक्के मारे वो 76 रन की पारी में ग्लेन मैक्सवेल। जिस तरीके से हम सभी ने उम्मीद लगाई थी ग्लेन मैक्सवेल परफॉर्म करेंगे, मैंने प्लेयर टू वॉच आउट फॉर भी बोला था ग्लेन मैक्सवेल को, कि सभी की निगाहें टिकी हुई होंगी ग्लेन मैक्सवेल पर, और बड़ा खिलाड़ी जो होता है ना एक सेटबैक के बाद कमबैक करना जानता है। ग्लेन मैक्सवेल शुरुआती मैचेस में थोड़े जल्दी आउट होकर जा रहे थे, मगर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया पिछले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ, वो तारीफ के काबिल बात थी। दिनेश कार्तिक नीचे खेलने के लिए आए, शाहबाज अहमद और वनंदु हसरंगा को ऊपर भेजना मुझे थोड़ा समझ नहीं आया था पर्सनली। वेन परनेल को भी पहले भेज दिया था हसरंगा के, तो थोड़ा सरप्राइजिंग था। बैटिंग ऑर्डर को थोड़ा सेटल करना होगा, दिनेश कार्तिक अगर ज़्यादा गेंद खेलते तो हो सकता था कि सेट होकर ज़्यादा रन बना पाते रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए। में 28 रन बनाए दिनेश कार्तिक ने, कहीं ना कहीं गेम फिनिश नहीं कर पाए वो, इस चीज़ का मलाल होगा उन्हें। हम उनसे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए, और गेम जिताने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा आरसीबी की टीम के लिए। प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर की अगर बात करें आज के मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए विराट कोहली रन स्कोर करते नजर आ सकते हैं। विराट कोहली जिस तरीके की खतरनाक फॉर्म में है, पिछला मुकाबला जल्दी आउट होकर चले गए थे, थोड़ा किस्मत का साथ नहीं मिला था उन्हें, तो बरकरार रखते हैं विराट कोहली, तो मुझे लगता है विराट कोहली आज एक धुआंधार पारी खेल सकते हैं। विराट कोहली से बच के रहना होगा पंजाब किंग्स की टीम को। दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के लिए मुझे लगता है कि सैम करन एक इम्पैक्टफुल प्लेयर हो सकते हैं। सैम करन लेफ्ट हैंड गेंदबाज हैं, तो विराट कोहली के सामने एक अच्छा हमें कंपटीशन देखने को मिल सकता है। विराट कोहली को लेफ्ट हैंडेड गेंदबाजों के खिलाफ तकलीफ होती है। किंग्स के आकाश सिंह ने भी विराट कोहली को पिछले मुकाबले में आउट किया था, तो कहीं ना कहीं एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज के खिलाफ विराट कोहली खासा परेशान होते हैं। सैम करन का प्रदर्शन विराट कोहली के खिलाफ अच्छा रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छा कंपटीशन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। सैम करन पंजाब किंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं और मुझे लगता है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं पंजाब किंग्स की टीम के लिए। अगर आज विनर पिक करना हो तो दोपहर का मुकाबला है मोहाली में, मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स आज का मुकाबला जीत जाएगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फाफ डुप्लेसी क्या खेलेंगे या नहीं खेलेंगे उस पर अभी सवालों निशान है, कि पंजाब
जीत सकती है आज का मुकाबला। मादा रखती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर किसी भी टीम को उनके घर में हराने का, मगर मुझे लगता है पंजाब आज बाजी मारेगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सामने। ये था पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का प्रीव्यू। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो के साथ, और मुकाबला है शाम में, तो उस वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।